आपका कोई फेवरेट गाना आपका आप थोड़ा गुनगुना दे हमारे लिए? गाना है कि ये जो मैंने अभी गाया नवकल्पना, ये मेरा बहुत पसंदीदा गाना है. ओके, तो ये मैं हालांकि इज माय वन ऑफ माय फेवरेट्स. ऑलराइट, तो अभी इतनी सारी न्यू सिंगर्स आ रहे हैं प्लेबैक सिंगिंग कर रहे हैं एंड लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू कॉपी मोहम्मद रफी साहब. जी, तो आपका क्या मैसेज होगा इन यंग सिंगर्स के लिए? आई थिंक कॉपी करना और इंस्पायर होना ये दो अलग चीजें हैं. कॉपी ना करते हुए अगर आप इंस्पायर हो उन लोगों से तो बहुत कुछ चीजें सीखने मिलेगी. आप अगर कॉपी करेंगे तो वो एक एज अ कॉपी ही माना जाएगा. और हमारे यहाँ पे काफी अभी काफी नेम सिंगर्स हैं जो उनके फॉलोवर्स हैं और जो उनके गाने गाते हुए ही आए हैं. काफी वर्जन्स गाए हैं उन्होंने और आज के टाइम पे बहुत नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, बट तो आज की जो जनरेशन है मैं ये कहना चाहूंगा कि जो उस वक्त ये लोग गाते थे, द काइंड ऑफ टाइम दे यूज्ड टू गिव, द काइंड ऑफ एनर्जी, द काइंड ऑफ डेडिकेशन दे हैड, वो अगर आज की जनरेशन, क्योंकि आज कंप्यूटर्स आने से एवरीथिंग इज सो फास्ट कि सिंगर आता है गाता है एंड एक घंटे में गा के चला जाता है गाना. तो कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि सिंगर्स आए उस गाने को एक हफ्ता उस गाने के साथ रहें. जैसे रफी साहब हैं, वो उन्होंने 3-4 दिन मेरे ग्रैंडफादर जी के साथ रिहर्सल की थी और गाना इतना गा के क्योंकि उस वक्त वन टेक होता था एंड जब उन्होंने गाया तो वो वन टेक में वो पूरा गाना है जो आज के बहुत कम सिंगर्स हैं जो कर पाते हैं. Bollywood, Bollywood.